हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे, और सबसे बड़ी बात कि आप अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और जीवन के प्रति, खुद के प्रति और इस परिस्थितियों के प्रति एकदम सकारात्मक जो आपका एटीट्यूड है वो आपने बनाए रखा होगा। दोस्तों, हम सभी बहुत सारी बीमारियों का शिकार होते हैं। समय समय पर हमें कभी फीवर होता है, कभी कोल्ड होता है, कभी कफ होता है, कभी अर्थराइटिस होता है, और बहुत सारी बड़ी छोटी बीमारियां हमारे शरीर में चलती रहती हैं। लेकिन इन बीमारियों के आने के बाद आपका एटीट्यूड क्या है? आप इन बीमारियों को किस तरह से देखते हैं? क्या आप इन बीमारियों को अपने ऊपर हावी हो जाने देते हैं, या इन बीमारियों को एक पॉजिटिव एटीट्यूड रख करके क्रॉस करते हैं और इन बीमारियों से छुटकारा पा लेते हैं? ये सब कुछ निर्भर करता है आपकी सोच पर। बहुत सारे पेशेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं जो आते हैं, जिनके दिमाग में एक ही थॉट उन्होंने बिठाए रखा होता है, सर मेरी इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। और बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो आकर कहते हैं, आप कुछ भी कीजिए, मैं हमेशा आपके बताए हुए प्रयासों को करूंगा या करूंगी और ठीक होके ही रहूंगा या रहूंगी। दोस्तों, यही एक पॉजिटिव एटीट्यूड हमारे जीवन में, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी खूबसूरती के लिए, हमारे रिश्तों के लिए और हमारे जीवन के लिए हमारे अंदर होना चाहिए। और मैं हमेशा कहता हूं कि इस चैनल का मकसद ही है आपके जीवन में पॉजिटिविटी लाना। अगर आप पॉजिटिव हैं तो विकट से विकट परिस्थिति के अंदर आप अपने आप को मजबूत पाते हैं, लेकिन अगर आप पॉजिटिव नहीं हैं तो छोटी सी परिस्थिति आकर के आपको हिला देती है, आपको परेशान कर देती है। सो ऑलवेज स्टे हेल्दी, स्टे ब्यूटिफुल, स्टे पॉजिटिव। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आज के इस वीडियो के बारे में। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे सप्लीमेंट के बारे में जिस सप्लीमेंट को 25 साल के बाद हमें किसी भी एज ग्रुप के क्यों ना हो हमें जरूर लेना चाहिए, क्योंकि हमारी एज जैसे ही 25 साल हो जाती है हमारे शरीर में इस सप्लीमेंट की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। ना सिर्फ अपनी स्किन को खूबसूरत बनाने के लिए, ना सिर्फ अपने बालों को हेल्दी रखने के लिए, बल्कि हमारे शरीर के अंदर होने वाली ऐसी चीजों के लिए जिसकी वजह से हमारे शरीर में आज बहुत सारी बीमारियां घर करने लगी हैं। सो बहुत ज्यादा जरूरी है इस सप्लीमेंट के बारे में बात करना, इसे अपने रूटीन में शामिल करना और इसे कौन कौन सी बीमारियों में हम इस्तेमाल कर सकते हैं ये सब कुछ जानना। सो मेक श्योर कि आज के इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमाथेरेपिस्ट, एक नेचुरोथेरेपिस्ट। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और हीलिंग से जुड़े टॉपिक्स के बारे में। इस चैनल पर अपलोड होने वाले हर एक वीडियो को आपका बहुत सारा प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं अपनी एज के बढ़ने की, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज हमारे शरीर के लिए जरूरी होती है वो होता है एसेंशियल फैटी एसिड। एसेंशियल फैटी एसिड बहुत जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि अगर हम अपनी बोन्स को अच्छा रखना चाहते हैं, अपनी मसल्स को अच्छा रखना चाहते हैं, अपनी आंखों को खूबसूरत बनाए रखना चाहते हैं, अपनी स्किन को ग्लोइंग बनाना रखना चाहते हैं, अपने बालों को हेल्दी रखना चाहते हैं, अपने दिल को हेल्दी रखना चाहते हैं, अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर हम हेल्दी रखना चाहते हैं, तो इन सारी ही चीजों के लिए हमें एसेंशियल फैटी एसिड्स की जरूरत होती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारे शरीर में एसेंशियल फैटी एसिड्स का प्रोडक्शन कम होने लगता है, और फिर हमें इसे बाहर से देने की जरूरत होती है। और अगर हम इसे बाहर से नहीं देते हैं तो हमारे शरीर में जितने भी मैंने आपके साथ पॉइंट्स डिस्कस किए उन सबसे जुड़ी हुई बीमारियां, उन सबसे जुड़ी हुई समस्याएं हमारे शरीर में आने लगती हैं। अब ये एसेंशियल फैटी एसिड्स है क्या? एसेंशियल फैटी एसिड, जिसे कि हम आम भाषा के अंदर ओमेगा 3 कहते हैं, ओमेगा 3 एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि ना सिर्फ हमारी स्किन के लिए जरूरी है, बल्कि हमारी बोन हेल्थ, हमारी हार्ट हेल्थ, हमारी मसल हेल्थ के लिए भी और हमारी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम में से बहुत सारे लोग जो कि
अपने रूटीन के अंदर असेंशियल फैटी एसिड्स की जो कंजप्शन है, जो डिमांड है, वो पूरी नहीं कर पाते हैं। उनकी आंखें जो है वो समय से पहले ड्राई होने लगती हैं, स्किन के ऊपर रिंकल्स आने लगते हैं, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है, जोड़ों पर स्वेलिंग बढ़ जाती है। और सबसे बड़ी बात यह कि आपका जो पूरा दिन जो मूड रहता है ना, वो चिड़चिड़ाहट वाला रहने लगता है। और यहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है कि आप प्रॉपरली अपने बॉडी की डेवलपमेंट के लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए ओमेगा को अपने रूटीन में जरूर शामिल करें। जब भी ओमेगा 3 की बात आती है, मैं हमेशा आपको कहता हूं कि सस्ता, सुंदर, टिकाऊ अगर हमें कोई ओमेगा 3 चाहिए जो कि बहुत ही ज्यादा रिलायबल भी हो और सबसे बड़ी बात कि बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो, तो मैं हमेशा आपको कहता हूं कि आपको एनवेदा का ओमेगा 3 कैप्सूल्स अपने रूटीन में जरूर शामिल करने चाहिए। ये जो एनवेदा के ओमेगा 3 कैप्सूल्स हैं, बहुत ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हैं। और सबसे अच्छी बात कि इसको जब हम परचेज करने जाते हैं तो इस पर बहुत सारे ऑफर्स, बहुत सारे डिस्काउंट्स हमें टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे लिए ये और भी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव बन जाते हैं। एनवेदा के बारे में मैं आपको इससे पहले भी अपने कई सारे वीडियोस में बता चुका हूं कि ये एक ऐसा ब्रांड है जो आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट्स को मॉडर्न जो मेडिकल साइंस है, जो मॉडर्न का जो साइंटिफिक एविडेंस है, उसके साथ मिला करके हमें बेहतरीन टैबलेट्स और कैप्सूल्स के फॉर्म में हमें मेडिसिन प्रोवाइड कराता है। और सबसे अच्छी बात है एनवेदा के ओमेगा 3 की, इसके अंदर जो DHA और जो EPA है उसकी मैक्सिमम मात्रा हमें मिलती है। DHA और EPA जो है ये वो दो इंग्रेडिएंट हैं जिनके मिलने से ओमेगा 3 बनता है। और DHA जो है वो हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है और EPA जो है वो हमारे फिजिकल बॉडी के जो डेवलपमेंट है उसमें हमें बहुत ज्यादा काम में आता है। तो जब इन दोनों का बेहतरीन कॉम्बिनेशन जब मिलता है हमें बाकी ब्रांड्स के कंपैरिजन में, तो वो हमें बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है। मैं लगभग पिछले 3-4 साल से एनवेदा का ओमेगा 3 कैप्सूल अपने रूटीन में शामिल किए हुए हूं। और आप में से बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि सर आप इतना फिट कैसे रहते हैं, आप इतना ग्लो कैसे करते हैं, आप इतना हेल्दी कैसे रहते हैं। तो उसके पीछे ये भी एक ऐसा सप्लीमेंट है जिसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा हालांकि बहुत सारे सप्लीमेंट है जो अपने रूटीन में टाइम टू टाइम शामिल करता हूं, लेकिन ये काफी समय से मेरे रूटीन में है जो मैं कॉन्स्टेंटली ले रहा हूं। सो मेक श्योर कि आप भी अगर अपने बोन्स को, अपनी जॉइंट हेल्थ को, अपने घुटनों को, अपनी आंखों को, अपनी स्किन को, अपने बालों को, और सबसे बड़ी बात कि अपने श्वसन तंत्र मतलब कि रेस्पिरेटरी सिस्टम और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और अपने हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हैं, तो इसे अपने रूटीन में जरूर शामिल आपको करना चाहिए। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो इसे आप एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम को लीजिए, क्योंकि ओमेगा 3 जो है वो एक साथ लेने से पूरी तरह से बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है। तो इसे लेने के लिए सबसे अच्छा जो तरीका होता है वो क्या होता है कि जब भी आप खाना खा रहे हो उस खाने के बीच में आप इसे लीजिए। जैसे आप अगर सपोज करो 2 रोटी खाते हो तो आपने आधी या 1 रोटी खा ली है, अब उसके बीच में आप एक कैप्सूल ले लीजिए 1 या 2 घूंट पानी के साथ में, और फिर उसके बाद में आप अपना दूसरा जो बचा हुआ खाना है वो खाइए। इससे क्या होगा, इसके जब आपने खाना खाया तो जो डाइजेस्टिव जूसेस जो निकलते हैं उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, वो इसे पूरी तरह से डाइजेस्ट कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब ये पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है तो इसका असर आपको बहुत ही कम समय में आपकी स्किन, आपके बोन्स, आपके बालों, आपकी आंखों पर आपको दिखाई देना शुरू हो जाता है। सो मेक श्योर कि आप आज से ही अपने रूटीन में एनवेदा के ओमेगा 3 कैप्सूल्स को जरूर शामिल करें। इसे परचेस करने का लिंक और ऑफर कोड में दोनों ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कमेंट में दे दूंगा। अब दोस्तों जाते जाते एक और सवाल आता है कि इसे लेना कितने समय तक है, तो कम से कम आप 6 महीने तक लीजिए, फिर 3 महीने का गैप रखिए और फिर आप इसे 6 महीने तक लीजिए। इस तरह से आप इसकी साइकिल्स चलाएंगे तो आपको बेहतरीन रिजल्ट्स इसके मिलने वाले हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो एक लाइक का बटन दबा करके हमें मोटिवेशन जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी इन लाइक्स की वजह से हमें एनर्जी मिलती है, हमारा उत्साह बढ़ता है और हम आपके लिए बेहतरीन वीडियो कंटेंट्स क्रिएट करते हैं। दोस्तों जाते जाते एक और चीज आपको बताना चाहता हूं कि हमने इस चैनल पर, अपने इस परिवार पर 19 लाख मेंबर्स का जो फिगर है वो पूरा कर लिया है, और बहुत ही जल्द ये परिवार 2 मिलियन मेंबर्स का होने वाला है। इसको परिवार के इस मेंबर्स को बढ़ाने के लिए हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए, इनके वीडियोस को शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स इस चैनल के साथ जुड़कर अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी ला सकें और अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतरीन की तरफ ले जा सकें। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपका प्यार आप हमें इसी तरह से देते रहेंगे जैसे आप देते आए हैं। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।